सबसे पहले हम अपना सब भोजपुरी के दर्शक के प्रणाम करतनी। नमस्कार बा, बहुत बढ़िया साल आ चुका है। नया साल में क्या कुछ कर रहे हैं, धमाल जरा मैं दोस्तों को बताएं। नए साल का धमाका जो है बहुत बड़ा होने वाला है, और क्योंकि इस साल मेरी बैक टू बैक 5 फिल्में रिलीज होने वाली है, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है मुझे। और किसी भी एक्टर के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि उस साल में उसकी 5 फिल्में रिलीज हो, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक्साइटमेंट वाला ईयर है। संजय भाई, कल आपकी फिल्म का ट्रेलर लॉन्च है कुंभ का, उसके बारे में ज़रा जानकारी दें। कुंभ जो है अपने आप में एक अद्भुत फिल्म है, और उस फिल्म को करते हुए मुझे इतना मज़ा आया था क्योंकि उसका कंटेंट जो है, उसका सब्जेक्ट है, थोड़ा सा भोजपुरी के लिहाज से थोड़ा डिफरेंट है, और मुझे लगता है कि दर्शकों को बहुत पसंद आने वाला है। और कल ट्रेलर रिलीज होने वाला है, तो मेरे चेहरे पर आप देख सकते हैं वो एक्साइटमेंट, वो खुशी, मुझे बहुत खुशी हो रही है। और मैं दर्शकों से भी कहूँगा कि कल जो है आप हमारे खुशी को शेयर कीजिए और उसमें शामिल होइए। किस चैनल से और कब रिलीज होगा? कल जो है 7 बजे शाम को वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड से भोजपुरी से रिलीज हो रहा है, जो अपने आप में भोजपुरी की का सबसे बड़ा चैनल है, तो इस चैनल से रिलीज हो रहा है। इस फिल्म में आपके साथ और कौन कौन से कलाकार हैं? इस फिल्म में हमारे ऑपोजिट अंजना सिंह जी हैं हॉट केक, और संजय महानंद जी हैं, और राम सुजान सिंह हैं जो दबंग फेम है, दबंग में चौबे जी का जो किरदार निभाए थे। काफ़ी अच्छे अच्छे एक्टर हैं और फिल्म काफ़ी खूबसूरत बनी है। क्या सब्जेक्ट बनाए हैं आपको फिल्म? आपको मैं बता रहा हूँ कि सब्जेक्ट जो है इस फिल्म का सबसे जो हाइलाइटेड जो है वो सब्जेक्ट ही है, स्क्रिप्ट जो है इस फिल्म की, कि एक भूत से जो नायक है इस फिल्म का, जो मेरा किरदार है, वो एक भूत से प्यार कर रहा है, और उस प्यार को किस तरीके से उस भूत से रिलेट करके और वो प्यार किस तरीके से कर रहा है, ये देखने में काफ़ी रोचक होने वाला है। पिक्चर का नाम कुंभ कैसे रखा गया? हाँ, ये जो है क्लियर, मैं चाहूँगा कि ये क्लियर मैं ना करूँ, क्योंकि ये डायरेक्टर हमारे जो है उनके द्वारा जो है वो क्लियर करने से मना किया गया। ये क्लियर आपको सिनेमा हॉल में हो जाएगा, और मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि इस टाइटल और सब्जेक्ट का रिलेशन जो है कनेक्टेड है, ऐसा नहीं है कि टाइटल कुछ है सब्जेक्ट कुछ है। आनंद जी, कल ट्रेलर दीजिए, कुछ दर्शकों को कहेंगे? हमारे कल एगो फिल्म बा कुंभ, ओकर ट्रेलर रिलीज होता वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी पर 7 बजे, तो वह सब अपन प्यार आशीर्वाद दी जा हमारा ये फिल्म के। ये फिल्म में हमारा अपोजिट हॉट केक अंजना सिंह, संजय महानंद, राम सुजान सिंह, हर्षित, सब लोग बहुत अच्छे एक्टर काम कर रहे हैं। इस फिल्म के प्रोड्यूसर रितेश वंदना जी हैं, को प्रोड्यूसर अरुण मिश्रा जी और ज्योति दिनेश पांडे जी हैं, म्यूजिक धनंजय मिश्रा जी का है, गीत हमारे बड़े भाई वीरेंद्र पांडे जी का है, फाइट चंद्रपंत और हीरा जी का है। काफ़ी अच्छी मूवी बनी है, आप लोग अपनी ब्लेसिंग दीजिए, अपना प्यार दीजिए। आनंद जी, आपके एक साल 2020 में 5 फिल्में रिलीज हो रही है, कौन कौन से नाम बताएं आप? 5 फिल्में जो इस साल रिलीज होने वाली हैं, सबसे पहले कुंभ, जिसमें हमारे अपोजिट अंजना जी हैं, संजय महानंद जी हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है उस फिल्म का। इसके बाद मेरी फिल्म आएगी रण, और रण अपने आप में मुझे लगता है भोजपुरी, मैं अपने मुंह से कुछ नहीं कहने वाला हूं, क्योंकि इस फिल्म की मेकिंग, इस फिल्म का डायरेक्टर चंद्रपंत है जी, वो इससे पहले निरहुआ चला लंदन का डायरेक्शन उन्होंने किया था, और इस फिल्म को शूट हम लोगों ने काठमांडू और नेपाल के बहुत ही अच्छे अच्छे लोकेशंस पर किया है, लखनऊ किया है, यूपी के काफ़ी अच्छे अच्छे टूरिस्ट प्लेस पर भी इसका शूट हम लोगों ने किया। इस फिल्म का काफ़ी बड़े बजट की मूवी है, और इसमें हमारे अपोजिट भोजपुरी की सुपरस्टार अदाकारा काजल राघवानी जी हैं, और एक्टर में मनोज टाइगर, अयाज खान, देव सिंह, सिपी भट्ट, सब लोग हैं रण में। तो ये फिल्म, दूसरी फिल्म आएगी, तीसरी फिल्म हमारी लव एक्सप्रेस रिलीज होगी जो पहले से बन के रेडी थी, और चौथी मेरी माही। अभी हम लोग माही के बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ कि माही हमारी फिल्म जो है वो हम लोग अभी लंदन और यूरोप में शूट करने जा रहे हैं, 5 कंट्री में हम लोग शूट करेंगे, बहुत बड़े बजट की मूवी है, और इसमें काफ़ी बड़े बड़े कलाकार हमारे साथ एसोसिएशन में जुड़ने वाले हैं। इसको 5 कंट्री में, निर्माता के बारे में कुछ कहेंगे? फिल्म के निर्माता जो है रण और माही के निर्माता जो है अरुण मिश्रा जी हैं, और
उनकी सोच है एक कि भोजपुरी में एक ऐसी फिल्म बनाई जाए कि ऑडियंस थिएटर तक आए, न कि सिर्फ यूट्यूब पर सिनेमा देखे, उसको थिएटर पर, और थिएटर पर सिनेमा ऑडियंस को लाने के लिए जाहिर सी बात है कि मुझे हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, इनके लेवल की मूवी बनानी पड़ेगी। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसी लेवल की मूवी बने और थिएटर में हमारे ऑडियंस आकर थिएटर में मूवी देखें। हमारे दर्शक जाना था, फिल्म शूटिंग कहाँ की, कहाँ कहाँ की गई है? रण की शूटिंग हम लोगों ने नेपाल में काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत लोकेशन पर किया है, और उसमें लुम्बिनी है, उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे लोकेशन पर, काफ़ी कुछ नाम मुझे याद भी नहीं आ रहे हैं क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम गया था वहाँ पर। तो 10-15 लोकेशन पर काफ़ी इंटीरियर में जाके, पहाड़ों पर जाके हम लोगों ने शूट किया था, और उसके बाद लखनऊ के विभिन्न लोकेशन पर, लोकेशन और अच्छे अच्छे लोकेशन पर हम लोगों ने शूट किया था इस फिल्म को, और बहुत बड़े लेवल पर इस फिल्म की मेकिंग की गई। सिनेमा में गाने किस तरह के हैं ज़रा दर्शक बताएं? किसी भी सिनेमा के लिए म्यूजिक उसका जो है बहुत बड़ी चीज़ होती है। हमारा भारतीय सिनेमा संगीत के दम पर काफ़ी हद तक टिका हुआ रहता है, तो इस सिनेमा में भी हम लोगों ने म्यूजिक पर काफ़ी फोकस किया है, और धनंजय मिश्रा जी हैं म्यूजिक डायरेक्टर, जो काफ़ी खूबसूरत और अच्छा म्यूजिक उन्होंने दिया है, और गीत वीरेंद्र पांडे जी ने लिखा है, कुंदन प्रीत ने लिखा है इस फिल्म के गाने, काफ़ी खूबसूरत गाने शूट किए गए हैं। एक एक गाने हम लोगों ने 4-5 दिन पिक्चराइजेशन किया है, और अच्छे अच्छे लोकेशन पर, तो दर्शकों को बहुत अच्छा देखने को मिलेगा इस फिल्म में। सिनेमा के डायरेक्टर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? डायरेक्टर तो के बारे में मुझे ज़्यादा नहीं कहना है, क्योंकि अपने आप में वो एक स्कूल है, अपने आप में एक डायरेक्शन के लिए मैं क्या कहूँ, मेरी खुशकिस्मती है कि उस तरीके के डायरेक्टर के साथ मैं आज काम कर रहा हूँ। किसी भी एक्टर के लिए सपना होता है कि मेरा डायरेक्टर बहुत ही अच्छा हो, कैपेबल हो, जो फिल्म को विजुअलाइज करता है, उसी के विज़न से एक फिल्म बनती है। तो ये रण में दिखने वाला है कि चंद्रपंत ने कैसा काम किया है, और मुझे लगता है कि हर आदमी लोहा मानेगा चंद्रपंत। सिनेमा जो बना रहे हैं किस उद्देश्य से सब करते रहते हैं? सिनेमा बनाने का उद्देश्य जो है, मुझे लगता है कि हमें अपने भाषा, क्योंकि मैं भोजपुरी माटी में पैदा हुआ हूँ, आरा में मेरा जन्म स्थान है, आज भले ही मैं यूपी लखनऊ में रहता हूँ, लेकिन अपने भाषा भोजपुरी से बहुत प्यार बा हमरा, और भोजपुरी सिनेमा एक सपना बा कि भोजपुरी सिनेमा हमार जौन बा जितना भी रीजनल फिल्म बा इंडिया में, और जो है ओकरा से कंपटीशन जौन बा ओकरा कंपटीशन में हमनी के खड़ा हो जाई जा, और उस लेवल की सिनेमा बने कि हमको दर्शकों से फिर आँख से आँख मिला के बात करने में मजा आए। भोजपुरी सिनेमा अभी पहले के मुताबिक कितना आगे बढ़ी है? हम स्टार्टिंग से कंपेयर करेंगे तो आज भोजपुरी सिनेमा को हमको ऑनेस्टली अगर एक्सेप्ट करेंगे तो जो स्टार्ट भोजपुरी सिनेमा ने लिया था, यहाँ पर लता मंगेशकर, हिंदी और भोजपुरी सिनेमा में कोई डिफरेंसेस नहीं था, मेकिंग का लेवल हिंदी और भोजपुरी का एकदम बराबर होता था, तो उस वक्त से अगर हम कंपेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि हम पीछे छूट गए हैं क्या। लेकिन इन 10 सालों में, अगर 10 सालों में हम कंपेयर करते हैं भोजपुरी सिनेमा को, तो इन 10 सालों में भोजपुरी सिनेमा में काफ़ी कुछ बदला है। लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम भी उस लेवल पर आके हिंदी सिनेमा से और भी रीजनल सिनेमा से नज़र मिला के बात करें, और ये कोशिश हमको लग रहा है कि अब सफल होती नज़र आ रही है, क्योंकि हर आदमी ये फील कर रहा है कि हमको सिनेमा थिएटर के लिए बनाना है और सिनेमा को सिनेमा की तरीके से बनाना है। भोजपुरी सिनेमा में जहाँ तक मुझे मालूम है काजल लगवानी आपके साथ नज़र आ रही है, कितना आपके साथ कंफर्ट? काजल के साथ मेरी ये 3री फिल्म है, और 3 फिल्में करने के बाद आदमी का कंफर्ट लेवल जो है अच्छा हो जाता है। और थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग मैं बात बताता हूँ कि काजल के साथ मेरी फर्स्ट मूवी थी, वो भी नई थी, तो हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया है, एक फेज को इन्जॉय किया है, और आज भी जब काम करते हैं तो काफ़ी इन्जॉय करते हैं। आप लखनऊ के रहने वाले हैं और इंस्पेक्टर भी हैं, दोनों को एक साथ कैसे आप संभाल लेते हैं? एक इस क्वेश्चन, क्योंकि हम जो जॉब करते हैं वो जॉब अपने आप में फुल टाइम जॉब है, और यहाँ तक कि अपने पर्सनल काम के लिए, पर्सनल फंक्शन के लिए भी छुट्टी नहीं मिलती है, और ऐसे डिपार्टमेंट से मैं
इस क्रिएटिव फील्ड में काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसका छोटा सा जवाब देना चाहता हूँ कि जहाँ चाह वहीं राह, और जहाँ चाहत इस मुकाम पर पहुँच जाती है कि वो जुनून में तब्दील हो जाती है, तो आपके इर्द गिर्द जितने लोग होते हैं वो सब सपोर्ट करने लगते हैं, यहाँ तक कि लोग नहीं सिचुएशन भी सपोर्ट करने लगता है। तो आज वही हाल है, हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, हमारा डिपार्टमेंट है, हमारे कलीग हैं, हर आदमी मुझे सपोर्ट करता है। आप योगी सरकार में इस वक्त हैं, योगी सरकार सिनेमा को लेकर कितना आगे बढ़ना चाहती है? सिनेमा को लेकर देखिए, आज यूपी जो है, उत्तर प्रदेश भारत का ऐसा इकलौता राज्य है जहाँ पूरी पारदर्शिता के साथ जो भी लोग शूट करने जा रहे हैं, काफ़ी बड़े फंक्शन ऑर्गेनाइज करके उनको सब्सिडी दी जाती है। ऐसा लंदन में होता है, यूके जो गवर्नमेंट है वो ऐसा करती है, और उसी पैटर्न पर देखिए कि हमारे उत्तर प्रदेश में भी, और काफ़ी बड़े बड़े मेकर्स जाके यूपी में शूट कर रहे हैं। यहाँ भोजपुरी ही नहीं, हिंदी, तमिल, तेलुगू, अभी रजनी सर ने शूट किया था, और हिंदी की बड़ी बड़ी मूवी शूट होती है। तो यूपी गवर्नमेंट का ये प्रयास जो है हमारे सिनेमा जगत के लिए बहुत सफल होगा। यूपी गवर्नमेंट से कुछ कहा, और यूपी के अपने दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे कल अपनी फिल्म में ट्रेलर रिलीज हो रहा है उसके लिए? देखिए, अपने घर में आदमी जो है ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करता है। यूपी में मैं, यूपी मेरा घर है, बिहार मेरा घर है, तो इन दोनों स्टेट से मेरा एक्सपेक्टेशन और ज़्यादा हाई है। और मैं सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा, वो चाहे महाराष्ट्र में हमारे भोजपुरी ऑडियंस हो, और या बिहार, झारखंड या गुजरात में, सिनेमा जो भी देखने जाता है, जो मेरे भोजपुरी के जो ऑडियंस हैं, वो सबका योगदान होता है सिनेमा को आगे बढ़ाने में। तो मैं सबसे जो है निवेदन करना चाहूँगा, सबके आग्रह को चाहता नहीं कि भोजपुरी सिनेमा जाके सिनेमा हॉल में देखी जाए। अपने दर्शकों से जाते कुछ कहेंगे? जाते जाते हम अपना भोजपुरी ऑडियंस से फिर एक बार याद दिलाना चाहता नहीं कि कल कुंभ के ट्रेलर हमारे रिलीज होता 7 बजे वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी चैनल पर, रुआ सभी देखी जा, और आगे इससे बड़ा बड़ा धमाका होने जा रहा है। प्रणाम।